स्वागत है आप सभी लोगों का भोजपुरी न्यूज लाइन में। यह चैनल जल्द ही आप लोगों के लिए क्रिएट इसलिए किया गया क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री की खबरों को जानने के लिए आप लगातार इस पर जुड़े रह सकते हैं और आपको मन चाहा जिस तरह अपने फिल्म स्टार्स हैं उनके बारे में भी जानने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दादरा नगर हवेली में, जब पिछले दिनों घूमने के लिए आए थे मनोज सिंह टाइगर उर्फ बतासा चाचा और के गोस्वामी यानी गबरू जी। तो देखिए उन्होंने हमारे चैनल से क्या बात की। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तमाम जगहों पर जिस तरह से भोजपुरी हो या हिंदी दुनिया, तमाम जो आर्टिस्ट हैं वो कलाकार वो तमाम लोगों के दिल में हमेशा राज करते हैं। इस वक्त खानवेल रिसोर्ट में मौजूद हूँ जहाँ के ऑनर एनजे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, साथ ही तमाम कलाकार जो हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले हम निर्मल जी से जानना चाहेंगे कैसा अनुभव लग रहा है, तमाम यहाँ जिस तरह से कलाकार आते रहते हैं लगातार, क्या कहना चाहेंगे निर्मल जी, किस तरह का एक अनुभव लग रहा है यहाँ पर आज आपको? अच्छा लगता है और आज मनोज सिंह जी और गोस्वामी जी आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ भी रेगुलर शूटिंग होती रहती है टीवी सीरियल की और फिल्म की, और काफ़ी शूटिंग हो चुकी है, जैसे गोविंदा भी यहाँ आ चुके हैं, अक्षय कुमार भी यहाँ वक्त के टाइम पे यहाँ रुके थे, शूटिंग उनकी आउटडोर थी, कई शूटिंग हुई है, साल में 8-10 पिक्चरों की यहाँ शूटिंग होती है जी। अच्छा लगता है जब कोई आर्टिस्ट हमारे यहाँ आते हैं जी। तमाम जो सिलवासा के दर्शक इस वक्त आपको हमारे माध्यम से देख रहे हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ से? सिलवासा वासियों के लिए तो नहीं, ये तो हमारी बहुत ही खुशी की बात है कि दादरा के गार्डन में कोई टाइम पे कोई 15 या 16 गाने शूटिंग हुए थे, गाने की मैंने रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है जी। सभी इसमें कई आर्टिस्ट मतलब आ चुके हैं, इवन शाहरुख खान भी यहाँ शूटिंग कर चुके हैं, अजय देवगन की पहली पिक्चर यहाँ बनी थी जी। इसके 2 गाने हुए थे और शूटिंग होती रहती है। सिलवासा को और डेवलप करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर से मैं हिसाब से निवेदन करूंगा कि शूटिंग के हिसाब से यहाँ थोड़ा कंसेशन भी दिया जाए, साइट सब फ्री की जाए, जैसे पहले SP अग्रवाल साहब ने शूटिंग फ्री की थी जी। और कुछ पब्लिसिटी की जाए फिल्म मैगजीन में जी। जिससे कि यहाँ शूटिंग हो सके जी। एडमिनिस्ट्रेशन साहब जो है प्रफुल्ल जी, उन्होंने भी दिया हुआ है इस पर ज्ञापन प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से, उन्होंने पर्सनली भी इस चीज़ को लेकर मुलाकात की है। हालांकि ये बातें बहुत ही एक अलग ही एक सुलझी बातें, इन्होंने जिस तरह से बताया कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अलग सा कंसेशन दिया जाए ताकि फिल्म इंडस्ट्री को और भी बढ़ावा मिले और दादरा नगर हवेली की जो टूरिज्म है, दमन की जो टूरिज्म है, उसको और ज्यादा बढ़ावा मिल सके। इस वक्त केके जी हमारे साथ है। केके जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक अनुभव लगा आज सिलवासा में बिता रहे हैं आप? सिलवासा न्यूज लाइन के सभी दर्शकों को केके गोस्वामी का प्यार भरा नमस्कार। सिलवासा आकर हमेशा ही अच्छा लगता है, मैंने पहले भी यहाँ भोजपुरी फिल्म की शूटिंग की हुई है और आज मुझे 2-4 दिन पहले ही हेमंत भाई से मुलाकात हुई और उसके बाद तो अब सिलवासा जन्नत जैसा लगने लगा है। खानवेल रिसोर्ट इस वक्त यहाँ पर लिए हैं, तमाम जो रिसोर्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं खानवेल रिसोर्ट सिलवासा की खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। तमाम जगहों पर इनकी खाने की जो व्यंजन है, यहाँ के पकवान है, तमाम चीज़ों में ये हमेशा बढ़ चढ़ कर रहता है और अव्वल नंबर पर आता है। क्या कहना चाहेंगे खानवेल रिसोर्ट के लिए? देखिए, मैं देश के कोने कोने में और बहुत सारे रिसोर्ट में गया हूँ। अभी कुछ दिन पहले देहरादून में था, मसूरी में था, बहुत जगह जाता रहता हूँ, लेकिन खानवेल में आकर जो एक अलग ही ट्रीटमेंट है और यहाँ इतना बड़ा एरिया में बनाया गया है, इसको प्रॉपर डेवलप किया गया है और यहाँ पर हर तरह की सुविधा है और सबसे स्वादिष्ट भोजन अगर करना हो जी और सेहतमंद वाली भोजन करना हो जी तो खानवेल रिसोर्ट जी। यहाँ आकर और मैंने यहाँ पर भोजन किया
बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, मक्के की रोटी, सरसों का साग, गुड़ और भी बहुत सारा व्यंजन था जो खाकर मजा आ गया जी। इस वक्त हमारे साथ दूसरे कलाकार जो कहा जा सकता है कि बादशाह है भोजपुरी इंडस्ट्री के, कॉमेडी के तमाम जगहों पर, जिस तरह से बतासा चाचा के नाम से आप सभी लोग उन्हें जानते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं सिलवासा की कुछ खास बातें उनके अंदाज में, उनकी कॉमेडी अंदाज में। बहुत बहुत स्वागत है बतासा जी। किस तरह से तमाम जगहों पर आपका एक अलग ही नजरिया रहता है, क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है? मैं तो इस रिजॉर्ट के बारे में 1998 में जब आया था मुंबई सर, तो हमारे मुंबई से नया नया मैं प्रोडक्शन करता था, तो कुछ लोग यहाँ पर टेलीविज़न का एंकरिंग शो शूट करने आ रहे थे, उसमें मुझे आना था, मैं नहीं, वो लोग नहीं लेकर आए मुझे। तब से मैं इस खानवेल रिजॉर्ट के बारे में सुन रहा हूँ, बड़ी इच्छा थी आने की। पहली बार आज आपके माध्यम से आया, प्रिया के ज़रिए और आपके ज़रिए, तो इतना अच्छा लगा यहाँ पर। और सर से मिला मैं, सर के बारे में मुझे पता नहीं था कि इतने हम्बल है सर। मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि इतने बड़े प्रॉपर्टी के मालिक, इतना बड़ा काम आएंगे सर, एकदम एंट्री कैसी होगी, लेकिन सर तो बिल्कुल हम्बल आदमी, एकदम ज़मीन से जुड़े हुए सर। मैं सच में सर आपसे सीख लेनी चाहिए। और इस जगह की बात तब जब कहेंगे तो सच में इस जगह से बड़ा प्यार हो गया जी। और हम लोग अभी प्लान भी कर रहे थे कि हम लोग राइटिंग करने और यहाँ पे 5-10 दिन फैमिली के साथ गुजारने के लिए आते हैं जी। प्रिया ने बताया कि ये हमेशा फुल रहता है, आपको पहले बताना पड़ेगा 2 महीने पहले ही जी। तो रियली यहाँ बहुत मज़ा आया जी, और अब तो आना जाना लगा रहेगा यहाँ। सिलवासा की तमाम जनता जो इस वक्त सिलवासा न्यूज़ लाइन के माध्यम से देख रही है, हजारों लोग आज हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तमाम जो लोग हैं उन्हें भोजपुरी अंदाज में किस तरह से आप अपनी बातों को रखना चाहेंगे? बस यह कहा भैया कि भोजपुरिया समाज लोग, तो लोगन बाड़ा है सिलवासा में, मुकद्दर वाला हवा, और सिलवासा में ऐसा कौन चीज़ है ये ना, पूरा हिंदुस्तान सिलवासा में बसल हो जी। यहाँ रिजॉर्ट हो, या तालाब हो, या नदी हो, यहाँ निर्मल सर है। और कहा चाहिए जी। ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद जिस तरह से आपको अंदाजा लग चुका होगा कि किस तरह से खानवेल रिसोर्ट अपने आने वाले लोगों को किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करता है, साथ में यहाँ की पकवानें भी लोगों को किस तरह से खुश कर देती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइव, खानवेल।